अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी कीमा, और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मशीन का कीमा ले लिया है, बारीक कीमा जो होता है। और यहाँ मैंने लिया है मेथी की पत्तियाँ, इस तरह तोड़ के मैंने धो के रख लिया था। देखिए, और ये देखिए, मैंने यहाँ कुछ कटी हुई हरी मिर्चियाँ रख ली हैं, और ये धनिया की पत्ती, और ये एक प्याज मैंने इस तरह काट लिया था। ये एक टमाटर इस तरीके से काटा है। ये मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये नमक, और यहाँ कुछ सूखे मसाले मैंने लिए हैं। ये देखिए, ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ कुछ खड़े मसाले, ये साबुत ज़ीरा, और ये 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 इलायची, गोल मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया है। और अब हमें ऑयल चाहिए, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पैन में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें ये खड़े मसाले हम डालेंगे। ये खड़े मसाले डालने के बाद इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो देखिए, मसाले हमारे हल्के से फ्राई हो गए हैं, और इस वक्त हम एक जो कटा हुआ प्याज हमारा है वो इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है, इस तरह चलाकर हमें प्याज को तेज़ आंच पर हमें फ्राई कर लेना है, अच्छे से गोल्डन फ्राई। ये देखिए, कुछ इस तरीके से प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। उसके बाद से यहाँ मैं ये 2 चम्मच गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी हमें अच्छे से प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। तो देखिए, अदरक लहसुन जो है हमारा जो पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्याज के साथ भुन चुका है। अब इसमें हम ये सूखे मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, और अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ये कटी हुई हरी मिर्च। मैंने 4-5 हरी मिर्च को अच्छे से इस तरह से बारीक पतला पतला काट लिया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे ये कीमा। कीमे को भी अच्छे से मसाले में मिक्स करके भुनेंगे। देखिए, इस तरह से मिक्स करेंगे हम अच्छे से मसालों में कीमे को। तो इसको ढक के हमें अब 10 से 15 मिनट पकाना है अच्छे से धीमे आंच पे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के चेक किया, ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगे हैं। अब हम इस कीमे को अच्छे से भुनेंगे तेज आंच पे। ये
ये देखिए कीमा अच्छे से हमारा भुन रहा है, तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब इस बीच हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। नमक डालने के बाद इसको हम भूनेंगे और थोड़ा सा आपको ज़रूरत लगे सूखा हो जाए बहुत ज़्यादा तो आप पानी डाल के फिर से भूनिए। तो यहाँ थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसको फिर से भुनने के लिए रख दिया है धीमे आंच पे। तो देखिए कीमा हमारा अच्छे से भुन गया है, इसको हम और थोड़ा देर 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे, उसके बाद से हम इसमें ये हमारा जो मेथी की पत्तियां हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। बिल्कुल हमारा कीमा जो है रेडी हो जाए, भुन के अच्छे से मसाला भुन जाए, उसके बाद ही हम ये पत्तियां डालेंगे लास्ट में। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे कीमे में। मिक्स करने के बाद कीमे को मेथी के साथ फिर से भुनेंगे। देखिए इस तरीके से हमें मेथी को मिक्स करके भुनना है कीमे के साथ। तो चलिए कीमे के में अब हम ये ऐड करेंगे धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद से हम इसको 10 मिनट अच्छे से सब कुछ भुनेंगे। इसको लगातार तेज़ आंच पर हमको भुनना है और मेथी को हमेशा इसको ढककर नहीं पकाना चाहिए, इसको खोलकर हमें पकाना चाहिए। इसको ढक देंगे तो मेथी का जो कड़वापन है वो कीमे में भी आ जाएगा, तो कोशिश करें कि खोलकर ही पकाएं। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, मुझे हल्का सा ग्रेवी रखना है। आपको अगर सूखा पसंद है तो आप सूखा भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जितने में ये हमारा कीमा थोड़ा सा ग्रेवी वाला हो जाएगा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रहेगा। बस 10 मिनट के बाद आप इसको उतार लीजिए, ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए मेथी कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए इस तरीके से ये बनके आया है, इतना अच्छा कलर भी बहुत परफेक्ट आया है। इसको चावल या रोटी से आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये आपको। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।